हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चारू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल कनपुरिया चारू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार जीटी रोड के चौड़ीकरण का अपडेटेड वीडियो लेकर के आ गई हूं। हालांकि इस बार यह वीडियो मैं पूरे एक महीने के बाद लेकर के आई हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन बिटवीन काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया जीटी रोड के वीडियो को बनाने के लिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग वीडियो का इंतज़ार करते हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ कर लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपडेट शुरू करते हैं जीटी रोड के चौड़ीकरण का। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ मंधना से। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे मंधना से लेकर के बिल्हौर तक की पूरी अपडेट। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मंधना में बिठूरकट के थोड़ा सा आगे, जैसा कि आप लोकेशन वाइज देख भी रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मंधना की कोई अपडेट नहीं दी है क्योंकि यहाँ पर तब काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल ना के बराबर था। क्योंकि आज आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक काम यहाँ पर हो चुका है और अभी भी कंटिन्यूस हो रहा है। और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगी है, आप उसमें साफ साफ इस प्रोजेक्ट का नाम भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं JCB हो गई और भी कई हैवी स्ट्रक्चर की यहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं, जिसमें से आप ये ब्लू वाली मशीन देखिए, काफ़ी यूनिक लगी मुझे। और इसकी हाइट तो बहुत ही ज़्यादा थी, बिल्कुल स्काई लेवल पर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊँची है ये, मैंने आपको भी दिखाना उचित समझा। दोस्तों, यहाँ इसके प्रोजेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है, अलीगढ़ कानपुर पैकेज 5 के अंतर्गत ये रोड बनाई जा रही है। और इसका जो एक नेशनल हाईवे में क्रमांक है वो NH 91 है। ऐसे करके कई सारे क्रमांक है जो विभिन्न रोडों के बताए जाते हैं। दोस्तों, नेशनल हाईवे का यहाँ पर मीन ये भी है कि ऐसी कोई सड़क जो दो राज्यों को या उनकी राजधानियों को आपस में जोड़े, तो ऐसे महामार्ग को नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो संख्या 91 है ये अपने जीटी रोड को दर्शाती है। और यहाँ पर हम लोग जीटी रोड का चौड़ीकरण ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मंधना में जो थोड़ा काम चल रहा था वो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं बढ़ रही हूँ शिवराजपुर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिट्टी की लेवलिंग है काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है और ऐसे ही आपको काफ़ी लंबी दूरी तक देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ अब आ गए हैं चौबेपुर में। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शिवराजपुर से बढ़ के जो बिटमिन का काम है वो चौबेपुर तक आ चुका है। पहले शिवराजपुर तक ही था पिछले वीडियो में, अब आपका चौबेपुर में भी जो बिटमिन का लेपन का कार्य है वो हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डामरीकरण पूरा हो गया है और रोड का व्यू तो आप देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकेंगे कई सारे खाली डंपर और पानी के टैंक यहां पर खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। 7-8 यहां पर डंपर हैं जो कि स्टैंड मोड पे हैं, और एक रोलर है और पानी के टैंक हैं, कई सारे यहां पर वाहन खड़े हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं रोड की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, फिनिशिंग काफ़ी सही है यहाँ पर, आप देखिए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बाद आप खुद आकलन लगाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बिटमिन का कार्य इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है, जो कि मंधना की तरफ भी कंटिन्यू बढ़ रहा है और इधर बिल्हौर की तरफ भी बराबर बढ़ रहा है। आप इस वीडियो के बाद खुद एक आकलन लगा करके बताएंगे कि कम से कम मैंने आपको 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में डामरीकरण का कार्य आपको दिखा दिया है। बाकी शेष में गिट्टी का जो कार्य है, बेस वर्क का कार्य है वो भी हो चुका है, मिट्टी फिलिंग का कार्य भी हो चुका है। ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा पूरा डामरीकरण ये अभी भी चल ही रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जहाँ जहाँ डामरीकरण दोस्तों हो गया है, वहाँ वहाँ के अंडरपास नीचे ढक दिए गए हैं, वो अब हम लोगों को नहीं दिखेंगे, उनके ऊपर से रोड निकल चुकी है और जो एज ए पुलिया या पुल के रूप में बनाए गए होंगे सिर्फ वही हम लोग को विजिबल होंगे, बाकी वो सब अंडरग्राउंड थे जो कि अब इस टाइम ढक गए हैं। तो दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर क्रॉस कर लिया है चौबेपुर और शिवराजपुर को, अब हम लोग बढ़ रहे हैं बिल्हौर की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर फिर से मिट्टी लेवलिंग का काम देखने को मिलेगा।
दोस्तों मिट्टी लेवलिंग का एक ऐसा काम है आपको बीच बीच के पैकेज में देखने को मिलेगा ज़रूर, क्योंकि एक दो बारिश हो रही है, इसके लिए सेटलमेंट भी ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी पुलिया बनाई जा रही है और उसका स्पैन काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। और आप यहाँ पे देखिए स्लैब कास्टिंग के लिए इसकी शटरिंग लगा दी गई है। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं इन दिनों बारिश होने के कारण आधा आधा ये पूरा पानी में डूब गया है। तो आप यहाँ देखिए कंटिन्यूस ये बनाई गई हैं जो अंडरपास बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है जिसको ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया है। और आप यहाँ पर देखिए फिर से मिट्टी फिलिंग का काम आ गया है। और मिट्टी फिलिंग मैंने आपको बताया आपको पूरी रोड में कई जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक आधार का काम कर रहा है वो मिट्टी फिलिंग ही है। दोस्तों नेशनल हाईवे बनाते वक्त सबग्रेड का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, इसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबग्रेड का मीन है यहाँ पर मिट्टी से, और मिट्टी का परीक्षण बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जितना भी टनों के हिसाब से लोड आता है वो सब मिट्टी ही वियर करती है। और इसके ऊपर अपना गिट्टी का कार आ जाता है, फिर उसके बाद अपना बिटुमिन का काम सिर्फ फिनिशिंग लेवल के लिए होता है, उसका एक बाइंडिंग मटेरियल की तरीके वह कार्य करता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हमारा बिल्हौर आने वाला है। और बिल्हौर आते आते आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ गिट्टी का काम किया गया है। सबसे पहले नीचे अर्थवर्क का काम है यानी कि मिट्टी का काम है, उसके ऊपर अपनी गिट्टी यानी कि जीएसबी बिछा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसके ऊपर बिटमिन का काम होना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर। मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखा रही हूँ, और मैंने इस वीडियो में आपको मंधना से लेकर के बिल्हौर तक की पूरी अपडेट दी है, और आपको मैं साथ साथ पूरा व्यू दिखाते चली हूँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप ज़रूर वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों यहाँ पर जीएसबी की जो लेइंग है वो अभी भी कंटिन्यूस है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रोड से दूर हो गई हूँ तो इसलिए वो छोटी छोटी नज़र आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में आप बहुत ही एक यूनिक चीज़ और देखेंगे जो इससे पहले इस रोड में मुझे देखने को नहीं मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप कंक्रीट के ब्लॉक देख रहे हैं जो वर्टिकल स्थिति में हैं, खड़ी स्थिति में हैं, और उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, बीच में आप देख सकते हैं मिट्टी का काम हो रहा है। दोस्तों इसका उद्देश्य ये होता है जब रोड अपनी भराव में बनती है तो मिट्टी के भराव को दोनों साइड से रोकने के लिए इन कंक्रीट के ब्लॉकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे इधर भी ब्लॉक हैं और सामने वाली साइड में भी हैं, बीच में पूरा मिट्टी का वर्क चल रहा है और इसी में भी अपनी रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। जितनी हाइट तक रोड को उठाना है उतनी हाइट तक इन ब्लॉकों को लगाएंगे, उसके बीच में प्रॉपर कॉम्पैक्ट के साथ में मिट्टी फिलिंग की जाएगी, यानी कि कुटाई में कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी, तभी इन ब्लॉकों का प्रॉपर यूज़ यहां पर हो पाएगा। दोस्तों ये ब्लॉक दो तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे, एक तो इस आकार में देखे होंगे, एक बहुत छोटे छोटे देखे होंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा घनी मात्रा में एक दूसरे से सटा कर लगा दिए जाते हैं, तो वो भी आपने देखे होंगे। और ये एक बड़े आकार के हैं, ये तो जनरली हम लोग देख ही लेते हैं, पर कभी मैं आपको छोटे वाले भी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी, जो छोटे वाले ब्लॉक होते हैं जो मिट्टी वियर करने के काम आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, इतनी दूर जा कर के बनाते हैं तब आप लोगों को अपडेट देते हैं। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बगल में जो बेल आइकन बनी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलती हूं, फिर से मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।